जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो एक पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल बनाया गया है। एक पोर्टल पे एंट्री करके और पोर्टल से ही सारी सूचनाएं दी जा रही हैं। जो लोग जिनको वैक्सीनेशन लगना है वो प्री रजिस्टर्ड हैं, वॉक इन कोई वैक्सीनेशन नहीं होना है। जो प्री रजिस्टर्ड लोग SMS जिनको गया है वो यहाँ आते हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन की जाँच की जाती है कि वही व्यक्ति हैं जिनको कि SMS गया हुआ है। फिर उसके बाद उनकी सामान्य जांच की जाती है और फिर वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद उनको 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इस पूरे प्रोटोकॉल को, वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए यहाँ ला के और उन लोगों को जिन्हें लगाना है और जिनको वैक्सीन लगाना है, जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये ड्राई रन रखा गया है। अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों ने जो तैयारियाँ की हैं उसका कमोबेश अच्छा यहाँ डेमोंस्ट्रेशन हुआ है। जो ऑब्जर्वेशन रूम के साथ हॉस्पिटल एक छोटा सा बनाया गया है जिसमें 2 बेड रखे गए हैं, उनमें जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो भी साथ में रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और हम यहीं पर उसको ट्रीट करें। जो सामान्य वैक्सीनेशन में हल्का फीवर या नौसिया जैसी चीज़ें होती है उसके बारे में भी डिस्प्ले लगाने के लिए कहा गया है, ताकि कोई सामान्य चीज़ से किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो। तो हमारे ज़िले में 3 जगह पर ये ड्राई रन किया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था है और हमने पूरी अच्छी तरीके से ये ड्राई रन किया है। पहले दिन कितने लोगों को मैसेज भेजे गए थे सर? 100 लोगों को मैसेज भेजा गया है हर सेंटर पर, और उसको अभी 5 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, बाकी लोग भी आप देख रहे हैं कि क्यू में है। 3 सेंटर्स पर आज ड्राई रन कम्प्लीट हो जाएगा। पहले जो हमारा यहाँ वैक्सीनेशन लगना है वो 6180 लोगों को लगना है और उसकी पूरी तैयारी हो गई है। जैसे ही हमें निर्देश मिलेंगे, वैक्सीन मिलेंगे, हम उसको पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे।